हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों फिर से आप लोग धमाकेदार वीडियो लेकर। सो आज की वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं वन शॉर्ट रिवीजन ऑन एरियस रिलेटेड टू सर्कल। दोस्तों शॉर्ट वीडियो के अंदर फुल चैप्टर का रिवीजन लेके आया हूं, तो दोस्तों पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों हर एक चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, चैप्टर का रिवीजन करने से पहले दोस्तों आपको हर एक चीज जानना होगा, उसके टर्म्स आपको सीखने होंगे, जैसे कि दोस्तों कॉर्ड हो गया, माइनर सेक्टर हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपके देखिए यहाँ पे लेके आया हूं मैं कॉर्ड क्या होता है। देखिए दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है डायामीटर कॉर्ड के बीच में डिफरेंस क्या है, यही पता नहीं होता है, ठीक है। तो आपके लिए दोस्तों मैं ये लेके आया हूं कॉर्ड क्या होता है। तो यहां पर दिया है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज सेड टू बी अ कॉर्ड, ठीक है। तो यहां पर देखोगे दो पॉइंट दिया हुआ है, यहां पर P दिया हुआ है, यहां पर देखिए यहां पर Q दिया है, ठीक है। तो यहां पर जो लाइन बना है ये क्या है दोस्तों, एक लाइन सेगमेंट है, तो ये क्या है दोस्तों, कॉर्ड है। अब डायमीटर क्या होता है, तो सेंटर में से अगर सेंटर में से कोई लाइन अगर पास होगा तो उसे हम कहेंगे डायमीटर बोलेंगे, ठीक है। और कॉर्ड तो सेंटर में पास नहीं होगा, कहीं पर भी पास होगा, सेंटर में पास नहीं होगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दोस्तों यहां पर आर्क कहा गया है, और आर्क का मतलब क्या होता है, तो यहां पर दिया है दोस्तों, आप पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड आर्क। मतलब यहां पर एक पी पॉइंट दिया है, यहां पर क्यू पॉइंट दिया है, और इन दोनों को ज्वाइंट करती है, इस तरह से एक लाइन ज्वाइंट होता है, उसे कहते हैं दोस्तों आर्क कहते हैं। अब दोस्तों आर्क के अंदर दो चीज होता है, एक होता है माइनर आर्क, एक होता है मेजर आर्क। माइनर आर्क के बारे में यहां पर दिया हुआ है, द आर्क लेस देन द सेमी सर्कुलर आर्क इज कॉल्ड माइनर आर्क। मतलब दोस्तों सेमी सर्कल से छोटे जो बनेंगे आर्क उसे कहेंगे माइनर आर्क कहेंगे, और सेमी सर्कुलर से बड़े जो आर्क बनेंगे उसे हम कहेंगे मेजर आर्क कहेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए आपके सामने देखिए यहां पे लेके आया हूं सेक्टर क्या होता है। यहां पर दिया है, द पोर्शन ऑफ ए सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय टू रेडियस एंड द क्रॉसपोंडिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ ए सर्कल। मतलब यहां पर ये दिया हुआ है, सेंटर ऑफ ए सर्कल है, ये देखिए दोस्तों एक रेडियस हो गया, ये एक रेडियस हो गया, और एक आर्क यहां पर अगर सब ज्वाइंट होंगे तो क्या क्रिएट होगा, यहां पर सेक्टर क्रिएट होगा। तो दोस्तों सेक्टर के अंदर भी दो चीज होती है, एक होता है माइनर सेक्टर, एक होता है मेजर सेक्टर। यहां पर माइनर सेक्टर के लिए कहा गया है कि सेक्टर स्मॉलर देन द सेमी सर्कल इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, और यहां पर सेक्टर लार्जर देन द सेमी सर्कल इज कॉल्ड मेजर सेक्टर, क्लियर हो गया। तो ये दोस्तों माइनर सेक्टर, क्योंकि सेमी सर्कल से छोटा है, और ये देखिए ये पूरा जो है दोस्तों मेजर सेक्टर है, क्लियर है। आगे बढ़ते दोस्तों, आपके सामने देखिए यहां पर सेगमेंट लेके आया हूं। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट मतलब होता है दोस्तों द पोर्शन ऑफ ए सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन अ कॉर्ड एंड द क्रॉसपोंडिंग आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। मतलब यह है दोस्तों कि यहां पर देखिए पॉइंट ए और यहां पर पॉइंट बी, इन दोनों को अगर ज्वाइंट करोगे तो क्या होगा, कॉर्ड होगा, और यह क्या है दोस्तों एक आर्क है, यह सबको जोड़ने से क्या बनेगा आपका, सेगमेंट बनेगा। अब सेगमेंट के अंदर भी दोस्तों माइनर सेगमेंट होता है और मेजर सेगमेंट होता है, राइट। तो यहां पर अगर सेमी सर्कल से छोटा है तो उसे हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और बड़ा है दोस्तों सेमी सर्कल से तो उसे हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, क्लियर हो गया। अब दोस्तों आपके लिए मैं क्या लेके आ रहा हूं, पहले एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उसके बाद सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू से दोस्तों बहुत से कांसेप्ट आप सीखोगे यहां पर, देखिए यहां पर, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं यह वीडियो देखने के बाद आपका कोई कांसेप्ट नहीं बाकी रहे, हर एक चीज आप सीख जाओ और आपका कंप्लीट रिवीजन हो पाए। तो यहां पर लेके आया हूं दोस्तों आपके लिए, पेरिमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री। मतलब सेंट्रल एंगल क्या है, 90 डिग्री है, और रेडियस क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैसे निकालोगे आप, सिंपल दोस्तों, यहां पर आप यहां पर सर्कल ड्रॉ करोगे, इस तरह सर्कल ड्रॉ कर लिया आपने, और यहां पर देखोगे तो ये क्या होगा, तुम्हारा सेंटर पॉइंट होगा, इतना क्लियर हो गया। और यहां पर अगर मैं इस तरह से रेडियस बनाता हूं, देखिए ये रेडियस बना लिया मैंने, तो ये क्या हो गया, मेरा सेक्टर बन गया। और यहां पर क्या दिया, 90 डिग्री दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पर 90 डिग्री बनेगा, क्लियर है। और यहां पर रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया है, तो यहां पर 7 और यहां पर 7 लिख दिया मैंने। और फाइंड क्या करना है मुझे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो है ये रेडियस जो है यहां पर लिखूंगा, ठीक है, ये जो है रेडियस यहां पर लिखूंगा, ठीक है, दोनों रेडियस को प्लस कर लूंगा। उसके बाद क्या करूंगा मैं कि ये जो है ये आर्क जो बन रहा है, देखिए कलर चेंज कर लेता हूं मैं,
ये देखिए, ये आज जो बन रहा है इसका भी एरिया लिखूंगा। तो यहां पर देखिए प्लस करता हूं मैं और लिखता हूं मैं लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, अब फॉर्मूला कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल फॉर्मूला होगा। अब लेंथ ऑफ आर्क निकालोगे तो क्या होगा, सिंपल लिखेंगे हम लोग यहां पर थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब यहां पर क्या करोगे, आर यहां पर आर लिख दोगे। अब फॉर्मूला हमें मिल गया है, वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। तो यहां पर थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं, 90 लिखूंगा, यहां 360 मल्टीप्लाई 2। अब पाई की वैल्यू क्या होता है, पाई की वैल्यू यहां लिखूंगा 22 अपॉन 7। यहां पर रेडियस क्या है, रेडियस दिया है 7 दिया है, तो यहां पर मैं 7 लिखूंगा। और इसका वैल्यू क्या होगा, 7 ही होगा, रेडियस दिया है तो यहां पर 7 लिखूंगा और इसका भी दोस्तों यहां पर 7 लिखूंगा। क्लियर हो गया। अब मैं दोस्तों यहां पर देखिए सिंप्लीफिकेशन करने जा रहा हूं मैं, यहां पर जो भी कट होगा, जो भी कैंसिल होगा वो कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पर देखोगे 00 कैंसिल, 91 जा 9, 94 जा 36, उसके बाद यहां पर 21 जा 2, 22 जा 4 हो गया, और यहां पर देखोगे 211 जा 22 हो गया। अब ये 7 कैंसिल हो गया, तो यहां पर बचा क्या, देखिए यहां पर 11 और ये प्लस 7, ये प्लस 7। अब 11 प्लस 7 प्लस 7 करोगे कितना मिलेगा आपको, 25 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कंसेप्ट सीख गए हो कि किस तरह से पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकाला जाता है। ठीक है, फिर से रिवीजन देता हूं आपको मैं। सेक्टर क्या है दोस्तों, देखिए इस सेंटर से ये पूरा सेक्टर बनता है। तो इसका आपको अगर पेरीमीटर निकालना हो तो 2 रेडियस को प्लस करना होगा और लेंथ ऑफ आर्क निकालना होगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या दिया है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 72। ओके, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का 72 दे दिया पेरीमीटर। तो सबसे पहले यहां पर डायग्राम ड्रॉ कर लेते, देखिए ये आपका क्या है प्रोटेक्टर, वो भी सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। ठीक है, इसका पेरीमीटर दिया है 72। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बोला है पाई की वैल्यू 22.7 है और आपको क्या करना है, डायामीटर ऑफ प्रोटेक्टर निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले फॉर्मूला फाइंड करना होगा। तो आप देखोगे तो ये क्या है, ये पेरीमीटर बोला हुआ है, तो ये क्या होगा आपका सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है क्या नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले आप सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो आप फॉर्मूला लिखोगे। तो यहां पर 2πr लिख दिया। अब सेमी सर्कल है तो यहां पर क्या करोगे, हाफ कर दोगे। ठीक है, तो ये टू कैंसिल हो गया, ये पाई आर हो गया। इतना क्लियर। अब ये क्या है दोस्तों, ये आपका डायामीटर है, इसको भी प्लस करना होगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया है और इक्वल टू क्या करेंगे, 72। क्लियर हो गया। अब यह डी की जगह पर आप 2r भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो यहां पर लिखूंगा मैं पाई आर प्लस 2r इक्वल टू 72। ध्यान दीजिएगा एकदम। अब यहां पर देखोगे तो ये जो है पाई आर प्लस 2r है और कुछ वैल्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पाई की वैल्यू है। तो यहां पर लिखेंगे 22 अपॉन 7 और ये r यहां पर आएगा प्लस 2r इक्वल टू 72। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब इसके नीचे भी 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई करेगा 22r को और 7 मल्टीप्लाई करेगा 2r को। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 22r, 22r होगा, 7 2 14r होगा, यहां पर 7 7 इक्वल टू 72। क्लियर हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, आगे और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। देखिए किस तरह से कर रहा हूं मैं, 22 प्लस 14 कितना होगा, 4 प्लस 2 6 होता, तो यहां पर 6 लिख लूंगा, 2 प्लस 1 3 36r हो जाएगा डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 72। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों 36r इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 72। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई मत करिए क्योंकि दोस्तों ये 36 क्या होगा, डिवीजन में आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं r इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 72 अपॉन 36। अब मैं यहां पर कैंसिल करूंगा, ध्यान दोगे अगर, 36 टू जा कितना होगा, 72 होगा। ठीक है, तो यहां पर रेडियस कितना मिला, 7 टू जा 14 मिला सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या निकालना है, यहां पर डायामीटर निकालना है। तो यहां निकालेंगे हम लोग d इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर, मतलब 2 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ चुके हो। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर दिया है द डायामीटर ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से फाइंड करेंगे हम लोग। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। यहां पर लिखता हूं मैं, एरिया बोला हुआ है ना, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। यहां पर
पाई आर मतलब यहाँ पर 1 लिखूंगा मैं और यहाँ पर पाई आर 2 होल स्क्वायर करूंगा। अब यहाँ पर आप बात करोगे 1 और 2 क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, एरिया ऑफ टू सर्कल्स। तो यहाँ पर क्लेरिफाई हो पाए कि आर 1 की वैल्यू क्या होगा और आर 2 की वैल्यू क्या होगा, इसीलिए मैंने आर 1 और आर 2 लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई और पाई कॉमन है, कॉमन लिख लिया मैंने, ये आर 1 स्क्वायर प्लस आर 2 स्क्वायर। ठीक है, अब R1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहां पर 40 सेंटीमीटर दिया है, तो यहां पर लिखूंगा मैं, देखिए इस तरह से यहां पर 40 का स्क्वायर कर दिया मैंने, और R2 क्या दिया है, 9 दिया है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर यहां पर लिखूंगा मैं। अब यहां पर 40 का स्क्वायर करो कितना होगा, 4 4 16 होता है, तो यहां पर 16 लिखूंगा, 2 0 7 में आ जाएगा, 9 9 81। अब देखिए दोनों को प्लस कर लीजिए, तो दोनों को मैं प्लस करता हूं मैं तो कितना मिलेगा मुझे, यहां पर दोनों को प्लस करूंगा तो 1681 मिल जाएगा। अब मेरा आर कैसे फाइंड करूंगा मैं, तो यहां पर आर क्या होगा, रूट में आएगा 1681। अब रूट निकालना कैसे करेंगे भाई हम लोग, किस तरह से रूट निकाल सकते हैं, तो आपको बता रहा हूं, देखिए इस तरह से 1681, तो यहां पर क्या करूंगा, 4 4 16। ठीक है, सबसे पहले काम कीजिएगा, पीछे से दो दो नंबर पे बार लगा दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर 4 4 16 हो गया, यहां पर आपका 0 हो गया, ये 4 यहां पर आएगा, यहां पर 8 हो गया। ठीक है, अब ये 81 है तो ये नीचे उतरेगा, ये 81, अब 81 1 जा कितना होगा आपका, 81 हो जाएगा, मतलब 41 इज द राइट आंसर। तो यहां पर लिखोगे आर इक्वल टू 41 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहां पर रेडियस नहीं चाहिए था हमें, हमें डायामीटर चाहिए था, तो डायामीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 2R होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 41, तो आंसर कितना होगा, 82 हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। अब दोस्तों आपके दिमाग में आएगा कि ये कैसे किया, ये हमें समझ में नहीं आया, लेकिन दोस्तों टेंशन बिल्कुल मत लीजिए आप लोग, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालोगे, दो दो की जोड़ी बनाओगे और इजीली फाइंड कर पाओगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, राइट। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों एमसीक्यू खत्म हो गया, अब हम क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, यहां पर दिया फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहां पर लिखता हूं गिवन, यहां पर गिवन रेडियस मतलब आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और क्या दिया है यहां पर, एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, तो यहां पर क्या दिया है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। दोस्तों आपको समझा दूं मैं, हमेशा याद रखिए, कभी भी आपको अगर मेजर सेक्टर बोलेंगे तभी आपको मेजर सेक्टर का फॉर्मूला यूज करना है, नहीं तो दोस्तों अगर आपको बोला जाए सेक्टर तो आपको क्या समझना है, माइनर सेक्टर ही समझना है, क्लियर हो गया। तो यहां पर निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, तो लिखेंगे यहां पर हम लोग एरिया ऑफ ए सेक्टर, फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू यहां पर 60 दिया हुआ है, तो 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू क्या है दोस्तों, पाई का वैल्यू जब नहीं दिया हो तो आप इजीली 22 अपॉन 7 ले सकते हो, तो यहां पर लिखूंगा मैं 22 अपॉन 7, यहां पर R क्या है, यहां पर देखोगे 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम लोग, यहां पर कैंसिल करेंगे, देखिए दोस्तों 0 0 कैंसिल हो गया, अब यहां पर क्या होगा, 6 1 6 6 6 36, अब ये 6 कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचा हमारे पास, 22 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं हम लोग, 6 2 12 2 कैरी 1, 6 12 + 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। आपको फ्रैक्शन में आंसर निकालना है, टेंशन बिल्कुल लीजिए, आपके एनसीआर टेक्स्ट बुक में यही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आप डेसिमल में निकालना चाहो निकाल सकते हो, लेकिन अगर ये भी आप करके आते हो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्लियर। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए यहां पर आपको दिखाई देगा क्वाड्रेंट। देखिए दोस्तों हर तरह का सम्स लेके आया हूं मैं, आपका एमसीक्यू से स्टार्ट किया था मैंने, एमसीक्यू के सम्स देख लीजिए, हर एक सम अलग टाइप का है। मैं चाहता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपका फुल चैप्टर का रिवीजन हो जाना चाहिए, इसलिए दोस्तों हर तरह के क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए यहां पर क्वाड्रेंट लेके आया हूं, अब क्वाड्रेंट क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं मैं। देखिए अगर कोई सर्कल, देखिए इस तरह सर्कल है, इसको ऐसे हिस्सों में बांटना है, कैसे हिस्सों में बांटना है, इस तरह से बांटना है कि चार हिस्सों में बढ़ जाए और यहां पर 90 डिग्री कट हो जाए, 90 डिग्री के हिसाब से, राइट। तो यह क्या होगा, आपका क्वाड्रेंट होगा, और क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यह पूरा
सर्कल है और ये क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये फॉर्मूला कैसे बनाया, किस तरह से ये फॉर्मूला आया, वो भी आपको सिखा के जाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करने बोला है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर लिखता हूं मैं एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट इक्वल टू यहां पर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब बोलोगे सर अभी आपने बताया कि ये फॉर्मूला होता है और आप यहाँ पर लिख रहे हो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये क्या है? आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये जो आपने हिस्सा बांटा वो 90 डिग्री का है, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा, थीटा की जगह पर 90, यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों अगर कैंसिल करोगे, आप देखो यहाँ पर अगर मैं कैंसिल करता हूँ, 0 0 कैंसिल, 9 1 9 4 जा, तो क्या आया यहाँ पर 1/4 22/7, ठीक है। अभी रेडियस निकालना बाकी है, तो रेडियस कैसे निकलेगा, यहाँ पर हिंट दिया है सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखता हूँ साइड में सी इक्वल टू 2πr, सी मतलब सर्कमफ्रेंस। अब यहाँ पर सर्कमफ्रेंस 22 दिया हुआ है, यहाँ पर 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको पता नहीं है, तो आप ऐसे ही रख दोगे, ठीक है। अब ये क्या है, नीचे 1 होगा। अब यहाँ पर r के साथ जो भी यहाँ पर नंबर दिया है इक्वल टू के बाहर जाएगा, क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 22 मल्टीप्लाई 2/1, 1/2 हो जाएगा, 22/7 क्या हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा इक्वल टू r। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ दोस्तों, ये 22 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, r इक्वल टू 7/2। अब देखिए इसको आपको डेसिमल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, 7/2 है ना, बस बहुत हो गया। अब यहां पर जो दिया था r स्क्वायर मतलब 7/2 दो बार लिख लेंगे, यहां पर भी लिखता हूं 7/2 7/2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां पर देखता हूं कौन सा नंबर कैंसिल हो रहा है, तो यहां पर देखोगे रिड्यूस करने पर पता चलेगा आपको कि भाई यहां पर 2 1 2 2 1 2 2 2 4, 7 7 कैंसिल, बचा क्या यहां पर 11 7 77, 2 2 4 4 2 8, 77/8 आपका आंसर हो गया यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप सीख गए हो, क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आप सीख गए। अब कभी क्वाड्रेंट आए तो हम डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लेके आया हूं मैं, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। देखिए घड़ी के अंदर भी मैथ्स यूज होता है, देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड, मिनट हैंड क्या है, सेंटर पे अटैच है, तो सेंटर पे सर्कल है, सर्कल के सेंटर में जो है अटैच है, राइट। तो यहां से ये जो कांटा बनेगा वो क्या बनेगा, रेडियस बन जाएगा। तो ये 14 सेंटीमीटर क्या है, आपका रेडियस है, तो यहां पर क्या लिखोगे, r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, इतना क्लियर। अब क्या कहा गया है दोस्तों कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, मतलब आपको बताना है कि 5 मिनट में कितना डिग्री उसने कंज्यूम किया है, ये आपको निकालना है। कैसे निकाल पाओगे, तो आपको मैं एक ऐसा शॉर्टकट देता हूं जिसकी मदद से आप कितने भी मिनट का पूछा जाए आप इजीली फाइंड कर पाओगे, क्या है वो, आइए आपको बताता हूं। देखिए यहां पर आप सीखिए कि ये एक घड़ी है, ठीक है, अगर पूरा राउंड करेगा ये मतलब 60 मिनट करेगा, कितना होगा एंगल, 360 डिग्री होगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं थीटा, यहां पर लिखता हूं मैं मिनट, अगर 60 मिनट होगा तो 360 डिग्री होगी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर 1 मिनट होगा तो कितना डिग्री होगा भाई, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो यहां पर 360 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 60, 0 0 कैंसिल, ये 6 हो गया, ठीक है। तो मतलब एक मिनट में अगर 6 डिग्री होता है, तो 5 मिनट की बात की है, यहां पर 5 मिनट की बात की है, तो 5 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्लियर हो गया। अब 10 मिनट्स दिया जाए तो 10 मल्टीप्लाई 6, अगर 15 मिनट्स दिया जाए तो 15 मल्टीप्लाई 6, क्लियर हो गया। बहुत ही शॉर्टकट फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत ही गजब का फॉर्मूला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, लिखेंगे हम लोग यहां पर एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, ठीक है,
ये लिख दिया मैंने पूरा, मैंने ऐसे एग्जाम में लिख के आना, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का वैल्यू क्या है, अभी हमने फाइंड किया 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 30 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7। रेडियस क्या दिया है दोस्तों, रेडियस आप देखोगे 14 दिया है, तो 14 मल्टीप्लाई 14। इतना क्लियर हो रहा है? अगर स्पीड जा रहा हूँ तो कमेंट करके बताइए कि बहुत ज़्यादा स्पीड जा रहे हो सर, आराम से जाइए। मुझे लगता है रिविजन का टाइम है, इतना स्पीड तो चलेगा ही, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, मैं कैंसिल करता हूं, 7 2 14, ठीक है, 0 0 कैंसिल, 3 1 3 3 1 3 3 2 6, यहां पर 2 1 2 2 6 12, उसके बाद यहां पर 2 3 6, यहां पर 2 1 2 2 1 2। अब कुछ है, कुछ भी नहीं है, यहां पर बचा क्या हमारे पास, 11 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 3। अब यहां पर क्या दिया हुआ देखोगे, 14 दिया हुआ है, तो 14 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 154 मिलेगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपके सामने दिया है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, ओके, फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉसबॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। देख रहे हो दोस्तों हर एक टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूं। इस क्वेश्चन में आप सीखोगे किस तरह से माइनर सेगमेंट निकाला जाता है और किस तरह से मेजर सेगमेंट निकाला जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं मैं कि माइनर सेगमेंट होता क्या है। देखिए ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया, ये आपका रेडियस, ये आपका रेडियस। अब ये जो कॉर्ड बन रहा है आपका, तो ये क्या बन गया, इसके नीचे जो हिस्सा जो है, ये हिस्सा जो क्या है, ये आपका सेगमेंट बन गया। क्या सेगमेंट बन गया, माइनर सेगमेंट बन गया। तो फॉर्मूला क्या होगा, डायग्राम देख के बताइए। सिंपल दोस्तों माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होगा कि सेक्टर में से अगर ये ट्रायंगल को निकाल के फेंक दूं तो मुझे सेगमेंट मिल जाएगा, मतलब माइनर सेगमेंट मिलेगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं माइनर सेगमेंट, यहां पर अच्छे से लिख देता हूं, ध्यान दीजिए, यहां पर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिख देता हूं, ठीक है, अच्छे से एकदम यहां लिखता हूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लिख दिया। अब फॉर्मूला क्या होगा, जैसे बताया आपको मैंने, यहां पर लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ए सेक्टर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब ये कौन सा ट्रायंगल है, तो आपको यहां पे दिखाई देगा, देखिए राइट एंगल बोला हुआ है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो यहां पर लिखता हूं 90 डिग्री, ठीक है। अब रेडियस क्या है, यहां पर 10 और ये हो गया 10। अब 90 डिग्री का ट्रायंगल है तो फॉर्मूला क्या होगा एरिया का, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहां पर लिखूंगा मैं हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री, यहां लिखूंगा मैं थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। दोस्तों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फॉर्मूला भी लिख के आते हो तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको एक या हाफ मार्क मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखोगे आप थीटा का वैल्यू कितना है, 90 है, तो यहां पर 90 लिखूंगा मैं, ध्यान दीजिए एकदम, यहां पर लिखूंगा मैं 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई, यहां पर पाई का वैल्यू क्या दिया है, 3.14, तो यहां पर लिखूंगा मैं 314, नीचे 100 लिख दूंगा जिससे डेसिमल गायब हो जाएगा, राइट। मल्टीप्लाई बाय रेडियस क्या दिया है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस हाफ। अब बेस और हाइट क्या होगा, देखोगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये आपका बेस, ये आपका हाइट, तो दोनों बेस और हाइट क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब क्या कर रहा हूं दोस्तों, सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, यहां पर देखोगे तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ठीक है, ये जीरो कैंसिल हो गया, 9 1 9, 9 4 36। अब यहां पर क्या होगा, 2 2 4, यहां पर 2 1 2 2 5 10, 2 7 14, और कुछ कैंसिल हो रहा है यहां पर, नहीं, तो यहां पर क्या है आपका 157 अपॉन 2 आ गया, माइनस यहां पर 2 5 10 हो गया। अब 5 10 जा कितना होगा, 50 होगा। अब यहां पर देखोगे दोस्तों 157 दिया है, डिवाइड बाय 2 दिया है, जैसे डिवीजन कर लेते हैं हम लोग, तो यहां पर डिवीजन करूंगा, देखिए यहां पर 157 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 7 14, यहां पर 1, यहां पर 7 आ गया, 2 8 16, यहां पर दोस्तों 0, यहां पर 1 पॉइंट लगाया, यहां पर 0 हुआ,
2 5 10। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सिंपल तरीके से 78.5 माइनस 50, तो आंसर कितना होगा 28.5। ये आपका क्या आया, माइनस सेगमेंट आ गया है। अब मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे, सिंपल तरीका है दोस्तों, ये आपका अगर माइनस सेगमेंट है तो सर्कल में से अगर माइनस सेगमेंट निकाल के फेंक दोगे तो आपको क्या मिलेगा, मेजर सेगमेंट मिलेगा। देखिए डायग्राम को देख के आप फॉर्मूला बना पा रहे हो, राइट। तो आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में मेजर सेगमेंट निकालते हैं। तो यहां पर देखिए लिखता हूं मैं मेजर सेगमेंट, सेगमेंट ठीक है, ऊपर एरिया भी लिख देता हूँ, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ओ ऑफ भी लिख देता हूँ, चलो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ए सर्कल माइनस एरिया एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर है। एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट क्या है, अभी आपने फाइंड किया, क्या फाइंड किया देखिए, यहाँ पर 28.5, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 28.5, ठीक है। अब यहाँ पर पाई का वैल्यू क्या दिया है, 3.14, तो यहाँ पर 314 नीचे 100 लिख दूंगा मैं। रेडियस क्या दिया है, 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखूंगा 10 × 10, ये 28.5। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करना होगा तो 0 0 कैंसिल हो गए, यहाँ पर भी 0 0 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है, यहाँ पर 314 − 28.5। अब मैं क्या करूंगा, आपको माइनस करना भी सिखा रहा हूं दोस्तों। यहां पर देखिए, यहां पर किस तरह से माइनस करोगे, 314 यहां पर 28. यहां पर 5, ये पॉइंट लगाया, यहां पर जीरो कर दिया, ये 4 क्या होगा आपका 3 बन जाएगा, ये 10 हो गया, ये 5। अब ये 1 0 बनेगा, ये 13 होगा, तो ये 5 हो जाएगा। ये आपका देखिए 3 2 बनेगा, ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से 2 गया तो यहाँ पर 8 और ये 2 आ गया, तो आंसर क्या होगा 285.5, ये आपका आंसर हो गया। सेंटीमीटर के मीटर, सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप सीख चुके हो। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको दिखाई देगा दोस्तों कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सब्सटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए आर्क। देखिए लेंथ ऑफ ए आर्क भी सिखाना है मुझे। अब लेंथ से क्या होता है दोस्तों, लेंथ डिनोट करता है पेरीमीटर को, राइट। तो यहां पर जो फॉर्मूला लिखते थे आप लोग, क्या फॉर्मूला लिखते थे यहां पर, कि थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, यहां पर एरिया ऑफ सर्कल लिखते थे। अब एरिया ऑफ सर्कल की जगह आप क्या लिखोगे, यहां पर सर्कमफ्रेंस लिखोगे, तो यहां पर लिखोगे 2 πr, और फॉर्मूला बन जाएगा। समझे नहीं, समझाता हूं, देखिए यहां पर लिखता हूं मैं कि लेंथ ऑफ द आर्क, फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 × 2 πr। ये लेंथ ऑफ ए आर्क बोला हुआ है, तो आप क्या करोगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिखोगे, ठीक है। बाकी सेक्टर के अंदर आप इजीली आप एरिया ऑफ सर्कल लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर थीटा क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहां पर 60 लिखूंगा, यहां पर 360 मल्टीप्लाई, यहां पर 2 × 22/7, रेडियस आपको यहां पर 21 दिया हुआ है, तो यहां पर आप 21 लिखोगे। अब मैं यहां पर सिंप्लीफाई करूंगा, मैं ध्यान दो, 0 0 कैंसिल हो गया, यहां पर 6 1 6 6 6 36। अब यहां पर 7 3 21, 3 2 6, 2 2 कैंसिल, यहां पर 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ना 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 स्क्वायर मत लिखना क्योंकि गलत हो जाएगा, यहां पर लेंथ ऑफ द आर्क बोला है, तो यहां पर आपको सेंटीमीटर ही लिखना होगा। वो एरिया के अंदर हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन यहां पर एरिया नहीं निकाला, लेंथ ऑफ ए आर्क निकाला, ठीक है। तो ये भी आप सीख गए। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, घास खाता हो घोड़ा, ये आपने बहुत बार सुना होगा मूवी के अंदर, पेंटिंग हो रहा याद है कि घास खाता हो घोड़ा, ठीक है, घोड़ा चला गया, घास भी गायब हो गया, घास फिर उगेगा तो घोड़ा वापस आ जाएगा, ये तो मजाक था दोस्तों। सम में भी है दोस्तों, मतलब अगर कोई घोड़ा घास खा रहा है अगर, तो भी उसमें मैथ छुपा हुआ है, पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ मैथ छुपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे दोस्तों, लिखा हुआ है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। जो ये 15 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसका कोई जरूरत नहीं है, 15 सेंटीमीटर कहीं पे भी अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब जो घोड़े को जो बांध दिया है यहाँ पर, देखो मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, मैं ये जो घोड़े को यहाँ बांधा है, इसकी रस्सी जो बांधी हुई है वो क्या है, 5 मीटर की है, मतलब ये रस्सी क्या बन जाएगा आपका, रेडियस बन जाएगा, क्योंकि ये सेंटर है, ये क्या होगा, रेडियस।
अब क्या है दोस्तों कि ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है, चारों एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो ये क्या बन जाएगा आपका क्वाड्रेंट बन जाएगा, इतना क्लियर। और क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आपको शॉर्टकट सिखाया मैंने, क्या फॉर्मूला होगा, सिंपल होगा, यहाँ पर लिखता हूँ रोमन लेटर 1, ये फाइंड कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर सिंपल होगा 1/4 πr² क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 1/4, ये देखिए पाई का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है 3.14, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा 314, नीचे मैं 100 लिख दूंगा जिससे डेसिमल गायब हो जाएगा। अब रेडियस क्या है, रेडियस आपका 5 मीटर लॉन्ग रोप है, तो यहाँ पर लिखोगे 5 × 5। अब इसे क्या करोगे आप, इसको कैंसिल करोगे, देखिए 5 × 1 = 5, ना ना कट मत करिए, कट मत करिए और फंस जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 2, 7 = कैंसिल करना है, कैंसिल करना है, कैंसिल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पर देखोगे तो ये 5 × 5, 5 × 2 = 10, यहाँ पर आपका 0 आ गया, 5 × 5, यहाँ पर होगा आपका 5, 4 = 20, ठीक है। यहाँ पर 1, 5 = 7 और 4, 2 = 8 हो गया है। अब क्या करना है दोस्तों, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर डिवीजन करके बताता हूँ आपको मैं, 1, 5, 7, यहाँ पर 8। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये 8, 1 = 8, तो यहाँ पर 8 होगा, ठीक है। अब 15 में से 8 जाए कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे 7 लिखोगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 7 आ जाएगा, अब 77 हो गया, तो 8, 9 = कितना होगा, 8, 9 = 72, तो यहाँ पर 72 लिख देता हूँ मैं, 0, 7 में से 2 गया तो यहाँ पर 5, यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। अब 8, 6 = कितना होगा, 48 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, 2 आ जाएगा, पॉइंट लगा है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 8, 2 = 16 होगा, तो यहाँ पर 16, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब 8, 5 = क्या होगा, 40 होगा, तो देखिए फाइनल आंसर क्या मिला मुझे, यहाँ पर 19.625 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब रोमन लेटर 1 में जो पूछा गया था, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, ये आपका है 19.625 मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों रोमन लेटर 2 में क्या दिया हुआ है, रोमन लेटर 2 में दिया है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब आपको यह फाइंड करना है कि इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया, अगर 5 मीटर की रस्सी की जगह 10 मीटर की रस्सी अगर यूज किया जाए तो कितना एरिया बढ़ जाएगा, तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, फाइंड करना होगा। तो हम फाइंड करेंगे दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां पर रोमन लेटर 2 लिखता हूं मैं, फॉर्मूला वही होगा क्वाड्रेंट का, यहां पर 1/4 πr² होगा, यहां पर सिंपल क्या होगा, पाई की वैल्यू भी सेम होगी, बस रेडियस जो है वो अलग होगा, पहले 5 था, अब यहाँ पर क्या होगा, 10 होगा, तो यहाँ पर मैं 10 × 10 करूँगा, तो यहाँ पर कैंसिल करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, 0, 0 कैंसिल, 0, 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2, 2 = 4, 2, 1 = 2, 2, 5 = 2, 7 =, अब यहाँ पर 1, 5, 7 / 2, इसे क्या करोगे, इसे डिवाइड करोगे, कर लेते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर 2, 7 = 14, यहाँ पर 1 रिमाइंडर में आएगा, 17 हो गया, तो यहाँ पर 2, 8 = 16, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 5, 78.5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है आपको, डिफरेंस निकालना है, राइट, तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, देखिए पहले क्या आया यहाँ पर 78.5, पीछे क्या आया यहाँ पर 19.625, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 19.625, ये 0, ये 0, यहाँ पर माइनस करना सिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर देखोगे, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये 5, 4 बन जाएगा, ये 9 बनेगा, ये 10 बनेगा, ठीक है, तो ये 10 − 5 कितना होगा, यहाँ पर 5 होगा, 9 में से 2 गया तो 7, 4 यहाँ पर 6 नहीं जाएगा, तो ये 8 क्या बन जाएगा, ये आपका 7 बन जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 14 में से 6 गया तो यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर पॉइंट, ये 7 बन जाएगा 6, यहाँ पर 17 हो जाएगा, 17 − 9 क्या होगा दोस्तों, आपका 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 लिखूंगा, उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 5 होगा, मतलब 58.875 मीटर स्क्वायर इतना एरिया बढ़ जाएगा, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, और भी क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए ये रहा क्वेश्चन, यहां पर दिया है अ ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायामीटर 35 mm, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर दिया हुआ है डायामीटर दिया हुआ है 35 mm, ठीक है। अब आगे बताया गया है द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायामीटर विच डिवाइड्स द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स
as shown in figure, मतलब 5 डायमीटर ने क्या कर दिया है, 10 इक्वल सेक्टर बना दिए, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला है फाइंड करने के लिए द टोटल लेंथ ऑफ ए सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, मतलब आपको टोटल लेंथ निकालना है। लेंथ निकालना मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं दोस्तों पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस यूज होगा, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों रोमन लेटर 1 का हम फाइंड करते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ ए सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो आप देखोगे ये बीच में क्या है, डायमीटर दिया है, कितने डायमीटर है, 5 डायमीटर। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं रोमन लेटर 1 5 डायमीटर। और क्या होगा दोस्तों, सर्कल है तो सर्कल का क्या होगा, सर्कमफ्रेंस होगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं 2 पाई आर लिखूंगा और इसको प्लस कर लूंगा, इतना क्लियर। अब देखिए दोस्तों ये 2 है तो यहां पर 2 लिखूंगा, पाई की वैल्यू यहां पर 22/7। रेडियस क्या दिया है दोस्तों, यहां पर रेडियस दिया नहीं है, यहां पर डायमीटर दिया है। डायमीटर कितना है, 35। तो यहां पर 35/2 लिखूंगा मैं, प्लस यहां पर 5 × 35, क्योंकि डायमीटर कितना है, 5 डायमीटर है, इसलिए 35 × 5। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, सिंप्लीफाई करूंगा यहां पर मैं, 7 × 5 = 35, 2 × 2 कैंसिल हो गया, 5 × 2 = 10, 0 carry 1, 5 × 2 = 10 + 1 = 11, 110। उसके बाद यहां पर प्लस, यहां पर देखोगे 5 × 5 = 25, 5 यहां पर 2 कैरी, 5 × 3 = 15, 15 + 2 कितना होगा, 17 होगा। तो यहां पर लिखूंगा 17, मतलब 175। अब इन दोनों को प्लस करूंगा मैं, तो यहां पर 110, यहां पर 175, मतलब 5, ये 8, ये 2, तो 285 mm, इतना जो है दोस्तों सिल्वर वायर यूज हुआ है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते दोस्तों, रोमन लेटर 2 में पूछा गया है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, मतलब ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का आपको क्या करना है, आपको आपको एरिया निकालना है। तो कैसे निकाल पाओगे, सिंपल फॉर्मूला देखिए, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर सिंपल फॉर्मूला आपको करके बताता हूं मैं, बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है। देखिए यहां पर दिमाग लगाइए कि एरिया ऑफ सर्कल है, तो यहां पर लिखता हूं मैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर जो है कितना बन गया, 10 इक्वल सेक्टर बन गया, मतलब ये जो एरिया जो है 1/10 होगा, पूरे सर्कल का जो एक सेक्टर होगा क्या होगा, 1/10 पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, क्लियर है। अब आपके दिमाग में आएगा ये 1/10 कैसे आया, ये समझ में नहीं आया, समझाता हूं। देखिए आप समझिए कि टोटल एरिया कितना होगा, टोटल जो डिग्री है, ठीक है, डिग्री कितना है, 360 डिग्री है, 10 इक्वल पार्ट में बांट दिया है, तो यहां पर डिवाइड बाय 10 करोगे तो कितना होगा, थीटा जो होगा वो 36 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहां पर जब फॉर्मूला लगाओगे θ/360° मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, तो थीटा की जगह क्या लिखोगे, 36 लिखोगे, तो 360 हो गया, राइट। ये मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, अब 36 1 जा और 36 10 जा हो गया, तो इसी तरह से 1/10 पाई आर स्क्वायर हो गया, क्लियर हुआ। हाँ, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसे रफ कर देता हूं मैं, देखिए सरफ कर देता हूं मैं, क्योंकि दोस्तों हर एक चीज सिखाना जरूरी है। जितना ज्यादा कुछ सीखोगे दोस्तों, उतना ही आपका मोटिवेशन जागेगा कि और भी कुछ करना है, और भी कुछ सीखना है, ठीक है। और मोटिवेशन अगर आपके अंदर आ गया तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखोगे आप 1/10 है, ठीक है, यहां पर लिखता हूं 1/10, यहां पर पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, और यहां पर आर क्या है, आर देखोगे तो यहां पर 35/2 करना होगा, क्योंकि डायमीटर दिया है 35, राइट। तो यहां पर लिखता हूं 35/2। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, तो देखोगे आप यहां पर 7 × 5 = 35, यहां पर 5 × 2 = 10, यहां पर 11 हो गया। अब क्या हुआ, कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो यहां पर सिंपल देखोगे 11 × 35, तो 385/2 × 2 = 4, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ चुके हो और कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप डेसिमल में निकालना चाहो तो आप डेसिमल में निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चाहो तो निकाल के बता दूं आपको, मैं देखिए यहां बता देता हूं, यहां पर देखिए 385 और यहां पर 4 × 4 = 36, यहां पर आपका 0, ये 8 और 6 है, तो यहां पर क्या होगा, 2 होगा, यहां पर आपका 5 आएगा, 4 × 6 = 24, यहां पर 0, यहां पर 1 पॉइंट लगाया, यहां पर 0, 4 × 2 = 8, यहां पर 2 पॉइंट है तो 0 आएगा, 4 × 5 = 4, तो यहां पर आंसर कितना होगा, 96.25 mm². अब दोस्तों अगर ये भी करके आते हो तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या दिया है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड सीन फिगर, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 cm, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। देखिए दोस्तों यहां पर दिया हुआ है कि ये क्या है, एक सेक्टर, देखिए
मैं सबको डिटेल में बता रहा हूँ आपको, मैं एक सेक्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 सेक्टर है। तो आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या शॉर्टकट फॉर्मूला है? सिंपल फॉर्मूला है 1/8 πr². अब ये कैसे आया वो भी डिटेल में बता देता हूँ। देखिए ये टोटल 8 सेक्टर है, तो यहाँ पर 360 डिग्री अपॉन यहां पर आप क्या करोगे 8 कर दोगे, ठीक है, क्योंकि एक सेक्टर का एरिया निकालना है आपको, एरिया मतलब डिग्री निकालना है। तो यहां पर क्या होगा, 4 2 8 4 9 36 जीरो हो गया, यहां पर ये 45 हो गया, मतलब थीटा जो है वो 45 हो गया, ठीक है। अब जब फॉर्मा लगाओगे आप थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर ये लगाओगे, तो ये 45 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब इसको कैंसिल करो क्या होगा, 9 5 = 45, 9 4 = 36 जीरो हो गया, 5 1 = 5, 5 8 = तो देखिए 1/8 आ गया। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, क्लियर है? तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप 1/8 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस तरफ कर देता हूं मैं। हर चीज से सिखाना मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को, कि हर चीज आपको डिटेल में सिखा दूं मैं, तो ये चीज सिखा दिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर 1/8 पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पर रेडियस क्या है, रेडियस आपको दिया है 45 दिया है, तो 45 × 45। अब आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ मैं, 45 45 कैसे मल्टीप्लाई करोगे शॉर्टकट ट्रिक में, तो यहाँ पर लिखोगे आप 45, यहाँ पर 45। ध्यान दीजिएगा हमेशा क्या होगा कि इन दोनों, ये दो प्लेस में जो है, तो उनके प्लेस में जो भी नंबर होगा उन नंबर को जोड़ोगे अगर, तो क्या होगा 10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10, मतलब 7 + 3 = 10, यहाँ पर 5 + 5 = 10, मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा तो उन दो नंबर को जोड़ने पर 10 आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, जो भी नंबर होगा वो सेम होना चाहिए, तभी ये ट्रिक यूज होगा। क्या ट्रिक है आइए आपको बताता हूँ। देखिए ये 5 5 = 25, ये 4 है तो 4 में + 1 कर दीजिए, तो 4 + 1 कितना होगा 5 होगा, 5 4 = 20, ये देखिए हो गया आंसर। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1/8 × 22/7, यहाँ पर 2025। अब देखोगे यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये कैंसिल कर रहा हूँ, 2 1 = 2, 2 1 = 2, ये 2 4 = 8। अब कुछ कैंसिल होगा, अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर क्या करूँगा मैं मल्टीप्लाई 11 करूँगा, तो 2025 × 11 का भी शॉर्टकट ट्रिक है। सिंपल क्या करोगे, 2025 एक बार लिख दिया, फिर एक नंबर छोड़ के फिर से लिख दीजिए 2025, अब प्लस कर लीजिए 5 7 2 2 2, हो गया। बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है, बहुत ही गजब का ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 2 2 2 7 5 / 7 4 = 28, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल था क्या, नहीं था, ठीक है। दो दो ट्रिक सीख लिया आपने इस सम के अंदर। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट सम की तरफ, देखिए ये रहा नेक्स्ट सम, यहाँ पर क्या दिया है, अ कार हैज टू वाइपर। ओहो, कार के अंदर भी मैथ्स, देखिए हर जगह मैथ्स छुपा हुआ है, ठीक है। अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ठीक है। Each wiper has a blade of length 25 cm, swiping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each swipe of blades. यहाँ पर क्या किया दोस्तों, दो wiper होते हैं, ठीक है, तो wiper क्या बना रहे, sector बना रहा है, right? तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं theta upon 360 degree मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर वाइपर कितने हैं, दो वाइपर है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, जो मुझे फाइंड करना है, टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वाइप ऑफ द ब्लेड, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे 2 लिख दिया मैंने, ये ब्रैकेट में है, थीटा मुझे यहाँ पर क्या दिया है 115 दिया है, तो यहाँ लिखूंगा मैं 115 यहाँ पर 360 डिग्री, ठीक है। ये पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या दिया है यहाँ पर 25, तो यहाँ पर 25 × 25, ठीक है। अब क्या करूँगा दोस्तों, सिंप्लीफाई करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको 2 × यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर बाद में कैंसिल करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, तो 22/7 यहाँ पर 25 कितना होगा 625 होगा, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 625, ठीक है। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन कैंसिल तो कर ही लेंगे हम लोग। देखिए किस तरह से, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 8 = 16, यहाँ पर 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे आप 5 3 = 5 3 = 15, 5 3 = 15, तो यहाँ पर 3 बचेगा, तो ये 5 6 = 30, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5 1 = 5, और यहाँ पर आपका बचेगा 1 2 = 12 हो जाएगा, 5 2 = 5 5 = ठीक है।
ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देखोगे आप यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और यहाँ पर 2 1 जा 2, 8 जा, ठीक है, इतना सॉल्व कर लिया हम लोग ने। अब कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, देखोगे आप यहाँ पर 115 × 11 × 125 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 7 8 जा 56, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5 कैरी, 7 × 7 + 5 कितना होगा 12, तो यहाँ पर आएगा 126, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, ये जो है 115 × 125 कर लीजिए, ठीक है, और 11 का ट्रिक तो हमें पता ही है, राइट। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 115 × 125, 5 5 = 25, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 कैरी, 5 1 = 5 + 2 = 7, 5 1 = 5, ठीक है, 2 5 = 10, यहाँ पर 1 2 1 = 2 और ये 3, 2 1 = 2, उसके बाद 1 5 = 1 1 = 1 1 = 5 7 10 13 कैरी 1, यहाँ पर 2 3 4, यहाँ पर हो गया 1, ठीक है, तो 14375। अब हमें क्या करना होगा, 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो शॉर्टकट ट्रिक पता है हमें किस तरह से करना है, यहाँ पर 14375 एक नंबर छोड़ देना है, 14375 प्लस कर लेना है 5, 12 कैरी 1, 7 + 3 = 10, 10 + 1 = 11 कैरी 1 4 5 8 5 1, तो यहाँ पर आंसर होगा 158125/126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ चुके हो। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है दोस्तों कि टू वॉर्न अ शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स द लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू द डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आप यहाँ पर लाइट हाउस समझ लीजिए, इस तरह से लाइट हाउस दिया है, ठीक है, ये लाइट हाउस दिया है और लाइट हाउस से जो लाइट निकल रही है, देखिए इस तरह से लाइट निकल रही है, तो ये क्या बना रही है, ये बना रही है सेक्टर बना रही है, ठीक है, सेक्टर बना रही है, मतलब यहाँ पर डिग्री क्या हो रहा है, डिग्री दिया हुआ यहाँ पर 80 डिग्री, ये 80 डिग्री है और लेंथ क्या है लाइट का, देखिए यहाँ पर 16.5, तो ये क्या बन जाएगा आपका रेडियस R = 16.5 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो सेक्टर बन रहा है इसका पूरा एरिया निकालना है आपको, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा सिंपल, यहाँ पर थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसे रफ कर देता हूँ मैं, इसे रफ कर देता हूँ मैं, इसकी अब जरूरत नहीं है, आपको समझा दिया मैंने कैसे हुआ ये फॉर्मूला और क्या आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर थीटा क्या है, 80 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखोगे 80/360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू यहाँ पर 3.14 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखोगे 314/100, जिससे दोस्तों डेसिमल निकल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आर क्या है, यहाँ पर 16.5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखोगे 165/10, यहाँ पर 165/10, इतना हमने कर लिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, तो 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 4 2 जा 4 2 जा 8 और ये 4 9 जा 36। अब यहाँ पर देखोगे कुछ कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 5 जा 15, यहाँ पर देखोगे 3 5 जा 15 3 5 जा 15, ठीक है, अब यहाँ पर और कैंसिल हो सकता है 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10, यहाँ पर 2, ये 2 कैंसिल हो गया। अब और कैंसिल करना चाहोगे आप, देखिए यहाँ पर 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो ये क्या होगा, 2 जो है इसको कैंसिल करेगा तो 157 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो बचा क्या है, यहाँ पर 157 × 11 × 11 डिवाइडेड बाय 100। अब आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 157 है ना, तो ये 157 पहले इस 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैसे करोगे, ये 157 है तो यहाँ पर 157 एक नंबर छोड़ दीजिए, प्लस कर लीजिए 7, ये 12 कैरी 1 5 6 7, यहाँ पर 7 लिख दिया, यहाँ पर 1 1 7 2 6। अब फिर ये 11 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, ये 1727 जो है एक नंबर छोड़ दोगे और यही नंबर को रिपीट कर दोगे 1727, तो ये 7, ये 9, ये 9, ये 8, ये 1, तो यहाँ पर क्या होगा 18997, ये 100 दिया है, तो दो नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे, ये किलोमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक आपको सिखा दिया मैंने, जिसकी मदद से दोस्तों ये भयंकर कैलकुलेशन को चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप सीख चुके हो। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहां पर आपका सामने दिया है अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर इफ द रेडियस ऑफ ए कवर इज 28 सेंटीमीटर फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूज रूट 3 इक्वल टू 1.7। अब दोस्तों यहां पर भी एक शॉर्टकट ट्रिक यूज करने वाला हूं मैं। सबसे पहले देख लेते हैं डिजाइन क्या है। डिजाइन आप देखोगे तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ये जो डिजाइन दिया हुआ है कहीं ना कहीं दोस्तों ये क्या है, माइनर सेगमेंट है। तो कितने माइनर सेगमेंट है आपको दिखाई देगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 माइनर सेगमेंट दिया है। ठीक है, तो यहां पर सेंटर पॉइंट है, तो यहां से रेडियस निकालोगे आप इस तरह से, तो यहां पर रेडियस कितना दिया है 28, तो यहां पर मैं लिखूंगा 28, यहां पर 28। ठीक है, और यहां पर आपको कुछ बोला है, कुछ भी बोला हुआ नहीं है। तो ये टोटल जो है 360 डिग्री है, राइट। और यहां पर क्या कर दिया है, 6 जो है माइनस सेगमेंट दिए है, तो माइनस सेगमेंट से क्या बनेगा, माइनस सेक्टर भी बनेगा। तो टोटल 6 माइनस सेक्टर है, तो यहाँ पर सर्कल को 6 सेक्टर में बांट दिया है। तो यहाँ पर अगर आप थीटा निकालोगे तो क्या होगा, 60 डिग्री होगा। मतलब ये अगर 60 डिग्री होगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं क्या, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सिंपल आप फॉर्मूला लगाओगे, क्या फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट निकालना है, तो यहां पर निकालता हूं मैं एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट। ठीक है, इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, तो फॉर्मूला क्या होगा, रूट 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब दोस्तों क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, ये थीटा की जगह यहाँ पर 60 लिखूंगा, यहाँ 360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू कुछ दिया हुआ नहीं, तो 22/7। रेडियस क्या दिया है, रेडियस 28 दिया है, तो यहाँ पर 28 मल्टीप्लाई 28। माइनस यहाँ पर देखोगे तो रूट 3 दिया है, रूट 3 का वैल्यू देखोगे 1.7 दिया है, तो यहाँ पर लिखोगे आप 1.7। एक काम करते हैं हम लोग, नीचे 10 लिख देता हूँ, तो ये 4 क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा, और 1.7 का जो डेसिमल था वो डेसिमल गायब हो जाएगा और 17 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा, और ये साइड क्या दिया है आपको, यहाँ पर 28 दिया है, तो 28 मल्टीप्लाई 28। ठीक है, क्योंकि साइड का स्क्वायर दिया हुआ था। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 6 1 6 6 6 36। अब यहाँ पर 7 4 28, अब कुछ होगा यहाँ पर, नहीं होगा, तो यहाँ पर 4 10 जा, और यहाँ पर 4 7 जा, अब कुछ कैंसिल होगा, यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है 2 5 10, 2 1 2, 2 4 8, और कुछ यहाँ पर हो सकता है 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2। अब कुछ कैंसिल होगा, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, राइट। तो यहां पर दोस्तों मैं काम करता हूं, नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं मैं, यहां पर दिया हुआ है 11 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 4, तो यहां लिखता हूं मैं 11 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 4, यही दिया हुआ है ना, हाँ यही दिया हुआ है। अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पर 3 लिखेंगे, माइनस यहां पर 17 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 7, तो यहां लिखता हूं 17 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई क्या दिया है 7, 17 14 है भाई, देखिए इसीलिए दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए स्लाइड चेंज करने के पहले आप चेक कर लीजिए कि राइट लिखा है कि रॉन्ग लिखा है। ठीक है, तो 17 मल्टीप्लाई 14 और क्या दिया हुआ है यहाँ पर 7, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 7 डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा, यहाँ पर देखिए 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 लिखता हूँ। चलिए अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले 28 मल्टीप्लाई 4 करूंगा, 11 का ट्रिक तो मुझे पता है, राइट। तो यहाँ पर 4 8 जा 32, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 कैरी, 4 2 जा 8, 8 + 3 कितना होगा 11 होगा, तो यहाँ पर 11 आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ पर 11, यहाँ पर 3। माइनस यहाँ पर देखोगे सबसे पहले क्या करूंगा मैं, देखिए यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई 7 करूंगा, ठीक है, तो 7 4 जा 28, 8 यहाँ पर 2 कैरी, 7 1 जा 7 + 2 9, ठीक है 98 आ गया। अब यहाँ पर 17 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 8 7 जा कितना होगा 56 होगा, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, 9 7 जा कितना होगा 63 होगा, 63 + 5 कितना होगा 68 होगा, उसके बाद 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 6 8 8 16 होगा, 6 कैरी 1, यहाँ पर 16 हो गया, मतलब 1 6 6 6, मतलब 3 6 आ गया लगातार, ठीक है, व्हाट ए नंबर, राइट। तो यहाँ पर 1 6 6 6 लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 5।
अब यहाँ पर 112 दिया है, 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक क्या है, यहाँ पर लिखोगे एक नंबर छोड़कर सेम टू सेम नंबर लिख दोगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो यहाँ लिखूंगा 1232 अपॉन 3 माइनस 1666 अपॉन 5। अब क्या करूंगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मैं क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिए यहाँ पर 5 को मैं 1232 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, देखिए यहाँ पर 5 2 10 0 कैरी 1, 5 3 15 प्लस 1 16, 6 कैरी 1, 5 2 10 11 कैरी 1, 5 1 5 प्लस 1 6, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 6160, ठीक है, यहाँ पर माइनस ये 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 3 6 18 कैरी 1, 3 6 18 कैरी 1, 19 9 यहाँ पर आ गया, 3 6 18 8 कैरी 1 चला गया, 3 6 18 प्लस 1 19 कैरी 1, 3 6 18 प्लस 1 19 कैरी 1, 3 1 3 प्लस 1 4, 4998, तो यहाँ लिखूंगा मैं 4998 डिवाइडेड बाय 15। देखिए कितना बड़ा कैलकुलेशन, देखिए हर चीज़ दोस्तों आराम से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, और ऐसे भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ सकते हो कि भाई मुझे मन नहीं है, मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा तो मार्क्स भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए मैं माइनस करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले 6160 यहाँ पर 4998, ठीक है, ये 6 5 बन जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आ जाएगा, ये 10 ये 15 हो गया, तो यहाँ पर 6 होगा, ये 6 5 बन जाएगा, ये 10 होगा, तो 10 में से 9 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो यहाँ पर 1, तो 1162, तो यहाँ पर लिखूंगा, ध्यान दीजिए कि 1162 अपॉन यहाँ पर 15। अब मैं एक शॉर्टकट ट्रिक यूज करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर टोटल क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपके सामने 6 इक्वल डिजाइन दिया हुआ है, तो 6 इक्वल डिजाइन दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या करूंगा 6 मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद क्या दिया है अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने में देखोगे 0.35 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिख लूंगा मैं मल्टीप्लाई 0.35 लिख लूंगा, इतना क्लियर हुआ। अब दोस्तों और अच्छे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, यहां पर लिखता हूं मैं 6 मल्टीप्लाई 1162 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 100, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो सकता है, तो आपको यहां पे दिखाई देगा दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर 2 3 2 3 6, 2 से मत कट कीजिए भाई, 2 से कट मत कीजिए, 2 से कट करोगे तो भोकाल मच जाएगा यहां पर। सिंपल क्या करेंगे हम लोग, यहां पर लिखेंगे हम लोग 3 2 6 और 3 5 15, ठीक है, उसके बाद ये 5 से कट करेंगे, 5 7 35। अब दोस्तों कुछ और मत कीजिए, चुपचाप यहाँ पर ये 2 1 1 6 2 मल्टीप्लाई 7 तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर जो 100 दिया है दो नंबर के बाद पॉइंट लगा देना है, यही शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। चलो चलते हैं फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे रफ कर देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें। यहाँ पर देखोगे सबसे पहले 7 2 14, तो यहाँ पर 1162 मल्टीप्लाई 14, 4 2 8, 4 6 24, 4 यहाँ पर 2, 4 1 4 प्लस 2 6, 4 1 4, यहाँ पर 1 2 16 1 1 1 1 8 6 12 कैरी 1 4 5 6, यहाँ पर 1, देखिए इतने स्पीड में करना है, मजे से कीजिए दोस्तों, ठीक है, स्ट्रेस मत लीजिए। तो यहाँ पर देखोगे 16268, दो नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, यहाँ पर लगा दिया, ये हो गया आंसर, ठीक है, ये क्या हो गया, ये रुपीस में आंसर आया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप सीख चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आया दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर क्या दिया है दोस्तों, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडिल एज शोन इन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। दोस्तों एरिया ऑफ डिजाइन फाइंड करना है, तो आपको यहां पर दिखाई देगा, देखिए ये डिजाइन है, तो डिजाइन का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां पर लिखता हूं मैं कि भाई एरिया ऑफ द डिजाइन, ठीक है, फॉर्मूला होगा हमारा यहां पर ये रहा GA, यहां पर लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर लिखूंगा मैं √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर, ये लिख दूंगा। लेकिन दोस्तों को पता चल पाएगा कि भाई साइड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का दिया हुआ नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो इसके लिए दोस्तों एक शॉर्टकट ट्रिक है जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं मैं। देखिए
जब भी दोस्तों सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो एक फॉर्मूला क्रिएट होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि रेडियस इज इक्वल टू 2/3 पार्ट ऑफ हाइट। अब ये क्या काम करेगा आपको बताता हूं। देखिए ये सेंटर पॉइंट है, ये आपका रेडियस, ये आपका रेडियस, ये आपका रेडियस, ठीक है। और यहां पर मैं ओ लिख देता हूं, ठीक है। तो ये मेरा क्या दिया है, 32 दिया हुआ है, ये मेरा 32 दिया है, ये 32 दिया है, ठीक है। और ये अगर लाइन को एक्सटेंड करूं तो ये मेरा एम बन जाएगा। अगर ये ओ एम मैंने फाइंड कर लिया मैंने, तो ओ एम की मदद से क्या करूंगा मैं, पेंसिल और पाइथागोरस से मुझे बी एम मिल जाएगा। और बी एम मिल जाएगा तो बी एम का डबल कर दूंगा मैं तो बी सी हो जाएगा, मतलब साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मुझे मिल जाएगा। क्लियर है? तो मुझे क्या करना होगा, ये फॉर्मूले के हेल्प से मुझे हाइट फाइंड करना होगा, टोटल हाइट। अब टोटल हाइट मतलब हमारा एम होता है, तो टोटल हाइट मुझे मिल गया। उस टोटल हाइट से अगर मैं 32 को अगर माइनस कर दूं मैं तो मुझे ओ एम मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेडियस क्या दिया है, यहाँ पर 32 दिया हुआ है, तो 32 इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई एच, यहाँ पर 32, इसको इधर लेके आएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 3/ यहाँ पर 2 इक्वल टू एच। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करूंगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 2 16 जा 32, तो हाइट क्या होगा मेरा 16 3 जा 48। अब टोटल हाइट कितना मिल गया, 48, मतलब यहाँ पर ए एम जो है वो मिल गया 48। अब ए एम के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, ए एम के अंदर जुड़ा हुआ है ओ ए प्लस यहाँ पर ओ एम इक्वल टू 48। अब OA क्या है, OA रेडियस है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 32 प्लस यहाँ पर OM इक्वल टू 48, यहाँ पर OM इक्वल टू 48 माइनस 32, तो यहाँ पर OM का वैल्यू कितना होगा, OM का वैल्यू होगा 16 होगा, तो यहाँ पर OM का वैल्यू 16 आ गया। क्लियर हो गया? अब OM का वैल्यू होगा 16 आ गया अगर, तो यहाँ पर देखो मैं 16 लिख लेता हूँ मैं। अब प्रिंसिपल ऑफ पाइथागोरस से आप BM फाइंड कर पाओगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं BM फाइंड कर लेता हूं। देखिए यहां पर एक काम करता हूं, यहीं पे कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं कि इन ट्रायंगल OMB एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर मैं लिखता हूं प्रिंसिपल ऑफ पाइथागोरस का फॉर्मूला कि भाई OB स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। अब OB क्या दिया है, 32 दिया हुआ है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 32 का स्क्वायर। OM क्या दिया हुआ है, 16, तो 16 का स्क्वायर। BM क्या दिया हुआ है, देखिए यहां पर कुछ पता नहीं है BM के बारे में, तो यहां पर BM लिख देता हूं। अब 32 का स्क्वायर करना है तो शॉर्टकट ट्रिक सिखाने जा रहा हूं। देखिए यहां पर 32 का स्क्वायर इस तरह से लिख दीजिए आप, 3 3 जा 9, 2 2 जा 0 4, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, एक नंबर छोड़ के यहाँ पर लिख दीजिए, ये 4 ये 2, 9 प्लस 1 10 होगा, यहाँ पर 1024 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1024 इक्वल टू 16 16 जा 256 प्लस बी एम स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करूंगा मैं, 1024 को 256 से माइनस करूंगा मैं, तो यहाँ पर माइनस कर लेता हूँ 1024 और यहाँ पर 256, ये 2 1 बन जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 14 में से 6 गया तो यहाँ पर 8 होगा, ठीक है। ये 10 9 बनेगा और ये 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 आएगा, 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 7 होगा, 7 6 8, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 7 6 8 इक्वल टू बी एम स्क्वायर। तो बी एम क्या होगा, अब क्या करना है दोस्तों, मुझे यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है 7 6 8 का, तो यहाँ पर मैं एलसीएम निकाल लूंगा इस तरह से, देखिए इस तरह से एलसीएम निकालूंगा 7 6 8, यहाँ पर 2 2 3 जा 6 और यहाँ पर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पर 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पर 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देखिए यहाँ पर 2 6 जा 12, यहाँ पर 2 3 जा 6। अब दोस्तों स्क्वायर रूट में क्या होता है, जोड़ी बनता है, तो जोड़ी देखोगे यहाँ पर, देखिए ये एक 2 हो गया, ठीक है, एक जोड़ी बन गया, यहाँ पर देखिए जोड़ी बन गया तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर जोड़ी बन गया तो यहाँ पर 2 आया, इसकी जोड़ी बन गई तो यहाँ पर 2 आया, लेकिन देखिए रूट 3 जो है, ये 3 जो है इसकी जोड़ी नहीं बना, तो ये रूट में रह जाएगा, मतलब रूट में मतलब 3 हो जाएगा इस तरह से, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16√3, तो क्या होगा यहाँ पर 16√3, ये होगा बी एम का वैल्यू, ठीक है। अब बी एम का वैल्यू अगर 16√3 है तो बी सी का वैल्यू क्या होगा, बी सी का वैल्यू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 16√3, तो यहाँ पर 16 2 जा 32√3, ये होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अब जो भी मैंने रफ वर्क किया है मैं रफ कर लेता हूँ यहाँ पर, मैं देखिए ये मुझे मिल गया है, इसे मिटा देता हूँ मैं, जो भी मैंने आपके सामने यहाँ पर रफ वर्क किया है, मैंने किस तरह से रूट निकाला मैंने, ये सब मिटा देता हूँ क्योंकि आगे सोल्यूशन करना है हमें, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने सिखाया आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डिटेल में सिखा रहा हूँ हर चीज़, यहाँ तक कि प्लस माइनस भी आपको मैं करके बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या है 22/7, तो यहाँ लिखूंगा मैं 22/7। रेडियस क्या है आपके सामने देखिए, रेडियस यहाँ पर दिया है 32 दिया है, तो 32 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर माइनस √3/4 मल्टीप्लाई साइड। अब साइड क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखोगे आप 32√3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 22/7, 32 का स्क्वायर आपने अभी सीखा था आपने 1024, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 1024 माइनस √3/4 मल्टीप्लाई 32 का स्क्वायर करूंगा तो 1024, यहाँ पर ये √3 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले कुछ कैंसिल हो सकता है यहाँ पर, वो कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल हो तो, अगर कैंसिल नहीं होता है इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब फिर से देखिए यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 5 जा आपका 10 हो गया, 2 6 जा 12, तो 2 5 6 आ गया, ठीक है। अब कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, ये 7 से कैंसिल होगा, देखिए यहाँ पर 1024 7 से कैंसिल होगा, 7 1 जा 7 हो गया, यहाँ पर 3 बचेगा और ये 32 होगा, राइट। 7 4 जा 28 होगा, तो यहाँ पर 4 बचेगा, नहीं कैंसिल नहीं होगा, तो रहने दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंसिल नहीं होता है तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे जो होगा वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पर मैं, कि 1024 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 22, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यहाँ पर 0, 2 1 जा 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 12, कैरी 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 2 5 2 8/7 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर 3 6 जा 18, 8 कैरी 1, 3 5 जा 15, 16 कैरी 1, 3 2 जा 6 7, 7 6 8, √3, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये हो गया फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिफिकल्ट सम को आप सीख चुके हो, अगर एग्जाम में आए अगर तो इसे करके जरूर आइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक सम लेके आए दोस्तों, ये वाला सम बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है दोस्तों और बहुत ही डिफिकल्ट भी है, लेकिन दोस्तों आपको मैं ऐसे इजी तरीके से सिखाऊंगा जिसके बाद दोस्तों ये सब आपके लिए चुटकियों खेल हो जाएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर दिया है कि इन द फिगर ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, मतलब क्वाड्रेंट का रेडियस दिया है, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। एंड द सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज ए डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन। देखिए दोस्तों ये शेडेड रीजन फाइंड करना है, देखिए ये वाला फाइंड करना है, मतलब ये वाला, ठीक है, ये शेडेड रीजन है, इसलिए मैंने क्या कर दिया दोस्तों, ये देखिए 1 2 3 लिख दिया, जिससे और भी अच्छे से समझ पाओ। अब यहाँ पर क्या है कि ये क्वाड्रेंट का रेडियस दिया है लेकिन सेमी सर्कल का रेडियस नहीं दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सेमी सर्कल का रेडियस निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, लिखूंगा यहाँ पर कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, इसके सामने वाला क्या होगा हाइपोटेन्यूस होगा, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए सी स्क्वायर। अब बी सी तो पता नहीं है हमें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है 14 है, तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी स्क्वायर लिख दिया मैंने, 14 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 196 होगा, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 196 प्लस 196, दोनों को मैं प्लस कर लूंगा यहाँ पर 196 प्लस 196, 6 और 6 कितना होगा 12 होगा, 2 यहाँ पर कैरी चला गया, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 9 19, कैरी 1 1 2 3, तो यहाँ पर 392 आ गया। अब 392 तो आ गया लेकिन इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, तो उसके लिए क्या करोगे आप एलसीएम निकालोगे इस तरह से 392। अब 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और यहाँ पर 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जब रूट में रखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये और ये जोड़ी बन गया है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 7 7 का जोड़ी बन गया तो बाहर निकल जाएगा, इस 2 की जोड़ी नहीं बना है तो यहाँ पर 2 इस तरह से आ जाएगा, तो क्या होगा ये 2 7 जा 14, तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर बी सी इक्वल टू 14√2, ये हो गया बी सी का वैल्यू, ठीक है। अब बाकी जो भी चीज़ मैंने यहाँ पर किया उसे मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, कोई इसकी नीड नहीं है हमें। चलो आप समझ गए किस तरह से रूट निकाला जाता है।
दोस्तों डिटेल में हर चीज सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये बीसी क्या है, डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस इज इक्वल टू 14 रूट टू डिवाइड बाई 2, तो 27 या 14, तो 7 रूट टू क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्वाड्रेंट में से, क्वाड्रेंट कहाँ है, ये आपका क्वाड्रेंट देखिए, क्वाड्रेंट में से, क्वाड्रेंट जो दिया हुआ है, इस क्वाड्रेंट में से मैं ट्रायंगल को निकाल दूंगा, ठीक है। तो यहां पर निकालता हूं मैं कि एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है, यहां पर लिखूंगा 1/4 यहां पर पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहां पर 1/4 पाई का वैल्यू क्या है, 22/7, तो यहां लिखूंगा मैं 22/7। रेडियस क्या दिया है दोस्तों, यहां पर देखोगे क्वाड्रेंट का 14 दिया है, तो 14 × 14 यहां पर हाफ। बेस क्या होगा दोस्तों, देखो बेस भी 14 दिया हुआ है और हाइट भी क्या दिया है, 14 दिया है, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस मल्टीप्लाई हाइट करना होगा, तो यहां पर 14 और ये भी 14 है, ठीक है। चलो अब यहां पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो देखोगे 7 × 2 = 14 और यहां पर 2 × 2 = 4, 2 × 11 = 22 होता है, तो यहां पर 11 आ गया। अब 11 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154 हो जाएगा, यहां पर 2 × 7 = 14 हो गया। अब 7 × 4 = 28, यहां पर 8, यहां पर 2 कैरी में चला गया, राइट। 7 × 1 = 7 + 2 कितना होगा, 9 होगा, तो ये क्या होगा दोस्तों, 154 − 98, तो यहां पर लिखता हूं मैं 154 − 98, तो ये 5 4 बन जाएगा, ये 14 हो गया, तो यहां पर कितना आएगा आपका, 6 आएगा। अब ये 10 बन गया, ये 14 बन गया, राइट, तो यहां पर 9 + 5 कितना होगा, 14 होगा, मतलब 56, तो ये क्या आ गया आपका, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, किस तरह से शेडेड रीजन निकालेंगे, अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, सेमी सर्कल में से, सेमी सर्कल में से ये वाला एरिया मैं माइनस कर लूंगा मैं, तो यहां पर लिखता हूं मैं, यहां पर लिखता हूं एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस, जो निकाला हमने क्या निकाला यहां पर, 56, ठीक है, तो यहां पर निकालता हूं मैं, यहां पर लिखता हूं मैं 56, तो यहां पर क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन सेमी सर्कल है तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, हाफ लिख देंगे माइनस 56। अब यहां पर हाफ, ये पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है सेमी सर्कल का, अभी हमने फाइंड किया था, देखिए यहां पर क्या है, 7√2, तो यहां पर लिखता हूं मैं 7√2 × 7√2 − 56। अब यहां पर सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं, देखिए यहां पर ये 7 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 ये 22 को कैंसिल कर देगा, यहां पर 11 आ जाएगा, तो यहां पर मैं 11 लिखता हूं और ये √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा और ये 7 यहां पर आ जाएगा, ये 56। अब 7 × 2 = कितना होता है, 14 होता है, तो यहां पर 11 × 14 − 56। अब 14 को 11 से मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा आपको, 154 मिलेगा माइनस 56। अब क्या करूंगा मैं यहां पर कि 154 को 56 से माइनस कर लूंगा मैं, तो ये क्या होगा, 5 जो है 4 बन जाएगा, ये क्या होगा दोस्तों, 14 हो जाएगा, तो 14 में से 6 गया तो यहां पर 8 बचेगा, ये 10 हो जाएगा, यहां 14 हो जाएगा। अब 14 − 5 कितना होगा, 9 होगा, तो यहां पर 98 आ गया, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डिफिकल्ट सम है, इसे आपको मैं इजी वे में सिखा दिया मैं किस तरह सॉल्व करोगे। फिर से रिपीट करते हैं हम लोग, देखिए दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, पहले क्वाड्रेंट जो दिया हुआ है क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल को निकाल लेना है, और सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेमी सर्कल में से जो आंसर निकाला आपने 56 उसको माइनस कर लेना है। उसके लिए सेमी सर्कल क्या करोगे दोस्तों, आपको रेडियस फाइंड करने के लिए ये सब कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये दिया हुआ है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन अ फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। इसका दोस्तों आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाने वाला हूं, जिसके बाद दोस्तों ये डिफिकल्ट जो यहां पर शेडेड रीजन दिया है उसको इजीली आप फाइंड कर पाओगे। देखिए समझिए आप, यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो है यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं मैं, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दूं मैं, तो ये क्या होगा, ये डिजाइन क्या होगा आपका, ये डिजाइन,
तो पूरे क्वाड्रेंट में से अगर ट्रायंगल को निकाल के फेंक दूं तो ये क्या होगा, आपका जो डिजाइन निकालना है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं फॉर्मूला, मैं यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं एरिया ऑफ द डिजाइंड रीजन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। लेकिन दोस्तों यहां पे कंफ्यूजन ये है कि ये सेंटर डिजाइन आपने निकाल लिया, ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पर क्या होगा, तो यहां पर क्या करना होगा, जो आपने ये लिखा इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, आप इजीली फाइंड कर पाओगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखेंगे यहां पर 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये क्या है दोस्तों, देखिए 90 डिग्री दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहां पर लिखोगे आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दोगे यहां पर, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस क्या दिया है, रेडियस आपको दिखाई देगा यहां पर, देखिए 8 दिया है, तो यहां पर 8 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस यहां पर हाफ, बेस क्या होगा दोस्तों 8 होगा और हाइट भी 8 होगा। ठीक है, अब यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा, देखिए यहां पर ये जो है 4 है, तो 2 2 4 और यहां पर क्या होगा 2 4 8 हो गया। उसके बाद क्या करोगे, ये 2 को इस 8 से कैंसिल कर लोगे, तो यहां पर लिखोगे 4 लिखोगे। ठीक है, उसके बाद देखोगे यहां पर ये 2 4 8 हो गया, इतना क्लियर हो गया। यहां पर दोस्तों क्या करेंगे, अब जो यहां पर ब्रैकेट में दिया हुआ है उसे मैं यहां पर लिख लेता हूं, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय यहां पर क्या बचा, देखिए 4 4 बचा है। ठीक है, तो 4 4 कितना होगा 16 होगा, तो यहां पर लिखूंगा 22 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 7। यहां माइनस 8 4 कितना होगा 32 होगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं 32 लिखूंगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करता हूं मैं, जो यहां पर दिया हुआ है उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूं मैं, तो यहां पर लिखूंगा मैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में क्या दिया था दोस्तों 22 मल्टीप्लाई 16, तो यहां पर लिखता हूं मैं 22 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 7। अब यहां पर क्या दिया है माइनस 32, तो यहां लिखूंगा मैं माइनस 32। ठीक है, नीचे में 1 लिख देता हूं मैं। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, यहां पर 16 2 कितना होता है 32 होगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं 2 और ये 3 कैरी में चला गया। 16 2 कितना होगा 32 होगा, 32 + 3 कितना होगा 35 होगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं 35 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 32/1। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो यहां पर मैं 2 लिखता हूं मैं, 1 × 352। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा 7 × 32, तो 7 2 14, 4 यहां पर कैरी 1, 7 3 21, 21 + 1 कितना होगा 22 होगा डिवाइडेड बाय 7 1 7, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखोगे 352 − 224, ये 5 4 बन जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 12 − 4 कितना होगा 8 होगा, 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1 128, तो यहां पर लिखूंगा मैं ब्रैकेट के अंदर 128/7। अब 128 × 2 कितना होगा 256 होगा, तो यहां लिखूंगा मैं 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका, क्या हो गया, एरिया ऑफ ए डिजाइंड रीजन हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने सिखाया वो समझ में आ गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों, और भी सम है आपके लिए। अब दोस्तों आपके लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सम लेके आया हूं, सबसे डिफिकल्ट सम लेके आया हूं। ये सम को करना सब स्टूडेंट की बस की बात नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप सही से सीख लोगे अगर, तो हर एक स्टूडेंट इजीली सॉल्व कर सकता है। देखिए यहां पर दिया क्या है, यहां पर दोस्तों दिया हुआ एक ट्रैक दिया हुआ है और आपको फाइंड क्या करना है, यहां पर देखिए रोमन लेटर 1 में दिया है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, मतलब आपको ये निकालना है। ठीक है, ये पूरा आपको निकालना है, मतलब देखा जाए तो एक पेरीमीटर हो गया। ठीक है, ये पूरा आपको निकालना है, सबसे पहले रोमन लेटर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पर क्या दिया है सेकंड में, देखिए एरिया ऑफ ट्रैक दिया है, मतलब ये जो शेडेड रीजन दिया है आपको, ये एरिया ऑफ ट्रैक है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक के बाद एक फाइंड करेंगे। सबसे पहले समझ लेते फिगर में दिया क्या है। देखिए ये जो है ए और बी का डिस्टेंस दोस्तों 106 है। ठीक है, और इसके बीच में दोस्तों डिस्टेंस कितना है 10 मीटर का है, राइट। और ये क्या है, ये जो व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा ये क्या है 60 मीटर है। तो ये अगर 60 मीटर है तो ये भी 60 मीटर होगा, राइट। तो ये कितना होगा, ये आपका 30 हो जाएगा। ये क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये क्या है दोस्तों आपका रेडियस होगा। ठीक है, और ये भी क्या होगा आपका 30 होगा,
तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये फाइंड करेंगे द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। ठीक है, तो देखिए यहां पर फाइंड करने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं रोमन लेटर 1 फाइंड करने जा रहा हूं। मैं यहां लिखूंगा मैं ये लेंथ कितना है 106 है, तो यहां पर लिखूंगा 106। ये लेंथ क्या है 106, तो यहां पर लिखूंगा मैं 106। अब मुझे क्या करना है, ये निकालना है, ये क्या है, ये सेमी सर्कल का क्या है, ये सर्कमफ्रेंस है। तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई 2πr। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, ये पाई आर होगा। लेकिन यहाँ पर 2 है, ये भी है और ये भी है, तो यहाँ पर 2 मुझे लगाना होगा, तो 2πr हो गया। तो यहाँ पर लिखता हूँ प्लस 2πr। अब यहाँ पर 106 प्लस 106 करो कितना होगा, 212 हो जाएगा, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस क्या होगा, रेडियस 30 होगा, आपको बताया था मैंने आपको, 30 हो गया। अब यहाँ पर 212 प्लस 2 2 4 2 2 4 मतलब 44 मल्टीप्लाई बाई 30 और ये 7 आ गया। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर फिर से सिंप्लीफाई करूँगा, यहाँ पर मैं 3 4 12, यहाँ पर 2 कैरी 1, 3 4 12 प्लस 1 13, 1 3 2, यहाँ पर 0, ये 7 प्लस 212। अब यहां पर 1 लिखूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 212 मल्टीप्लाई 7 करना होगा मुझे, तो 7 2 14, 4 यहां पर कैरी 1, 7 1 7 प्लस 1 8, 7 2 14, तो यहां पर लिखूंगा मैं 1 4 8 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 3 2 0, तो यहां पर आएगा 1 3 2 0 होल अपॉन 7। तो यहाँ पर 1 3 2 0 को प्लस करना होगा, तो ये 4, ये 10 हो गया, कैरी 1, 4 प्लस 1 5 5 प्लस 3 8 हो गया, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2804/7 क्या लिखूंगा मैं, मीटर लिखूंगा, मीटर स्क्वायर बिल्कुल मत लिखिएगा नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा था, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, मतलब एक तरह का पेरीमीटर पूछा था। ठीक है, अब दोस्तों रोमन लेटर सेकेंड सॉल्व करेंगे, तो सेकेंड में क्या दिया है देखिए, सेकेंड में आपको यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है। तो सबसे पहले प्लानिंग कर लेते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर कुछ दिखाई देगा आपको, कि ये पार्ट जो है, ये पार्ट, ये जो दिखाई दे रहा है, ये एक तरह का आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल है और ये एक रेक्टेंगल है, तो क्या हो जाएगा, 2 रेक्टेंगल हो जाएगा। और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या, एरिया का एल इन टू बी है, तो यहां पर लिखता हूं मैं एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहां पर 2 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इन टू बी होता है। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। उसके बाद प्लस क्या करना होगा मुझे, प्लस ये करना होगा कि ये पार्ट निकालना होगा, तो ये पार्ट निकालने के लिए बहुत सारे वर्किंग करने होंगे। जैसे कि दोस्तों यहां पर आपको करके बताता हूं मैं, आपको यहां पर लिखना होगा एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल। ठीक है, अब एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल मतलब ये वाला होगा, ये वाला पार्ट होगा, तो यहां पर लिखता हूं मैं हाफ मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हाफ इसलिए लिखा मैंने, सेमी सर्कल दिया इसके लिए। यहां पर भी क्या करूंगा मैं, हाफ लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर लिख दूंगा। अब यहां पर क्या होगा, दोनों के रेडियस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यहां पर जो बड़ा जो है ये तो 30 है मुझे पता है, और ये जो 10 जो है ये भी जुड़ जाएगा, तो 30 + 10 कितना होगा, 40 हो जाएगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं हाफ मल्टीप्लाई 22/7, यहां पर 40 × 40 माइनस यहां पर हाफ, तो यहां पर पाई दिया है तो पाई का वैल्यू क्या होगा, 22/7 होगा। यहां पर रेडियस दिया हुआ है तो रेडियस कितना होगा, 30 होगा, तो यहां पर लिखेंगे 30 × 30। ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई करना होगा सबसे पहले, तो यहां पर सिंप्लीफाई करता हूं। देखिए यहां पर कोई कैंसिल कर सकता हूं, कैंसिल कर लेता हूं मैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 2 2 4 जीरो हो गया, यहां पर 2 15 30। एक काम करता हूँ, 22/7 जो है उसको पाई में रखता हूँ। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूँ पाई। अब 4 2 8, यहां पर 8 होगा, 20 आ गया। यहां पर देखोगे तो 22 और 3 है, तो पहले 22 मल्टीप्लाई 30 करूंगा, कितना होगा, 3 2 6 3 2 6, यहां पर 0 आ गया।
उसके बाद यहाँ पर इसको 15 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो यहाँ पर देखोगे, नहीं नहीं ऐसा मत करिए, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इस 22/7 को पाई रहने दीजिए, यहाँ पर 15 थ्री से कितना होगा 45 होगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 800 - 450 करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 800 - 450, तो ये 0 हो गया, ये 7, यहाँ पर 10, ये 5, 7 में से 4 गया तो 3, 350, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 350 मल्टीप्लाई यहाँ पर पाई, ठीक है, ये हो गया। अब यही चीज को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 350 पाई, यहाँ पर प्लस 350 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू क्या है 22/7। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसका निकाला है, इसका निकाला है, इसका भी तो निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या करना होगा, 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखोगे 2, और यहाँ पर लेंथ क्या है, लेंथ आपका 106 है, मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या है आपका, यहाँ पर देखोगे 10 है, तो यहाँ पर 10 प्लस, इसको कैंसिल करते हैं हम लोग, जो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, देखोगे यहाँ पर 7 5 35 0 यहाँ पर आ गया। अब 2 5 10, यहाँ पर 10 और 10 साथ में आ गया, मतलब 52 100 हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 22। अब यहाँ पर 2 × 106 और ये 10 का 0 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 2200 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर 2 0 0, 2 6 12, 2 1 2, प्लस 2200 हो गया। अब इनको प्लस करना होगा, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2120 प्लस 2200 है, इसको प्लस कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर प्लस करता हूँ 2120, यहाँ पर 2200, ये 0 हो गया, 2 हो गया, 2 + 1 = 3 हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 4320, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं, मीटर है ना, हाँ मीटर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यहाँ पर एरिया पूछा हुआ है इसलिए मीटर स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए, और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी रिविज़न करने में। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप तक मत रखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट्स।